बलवंत चौकन कौन है? तेरी तो बलवंत मैं हूँ। अरे रुक जाओ यार, अरे मैं बलवंत हूँ लेकिन कभी कभी बलवंत ये भी बन जाता है। झूठ बोल रही है। बलवंत जी ये फाटक खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। आज कुछ नहीं होने वाला, आज ऑफिस बंद है, तुम लोग कल आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, ताला तोड़ो। जूते से ताला तोड़ते हैं, कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल किया करो। ठीक कहा चौधरी साहब आपने। हट पीछे, मैं तोड़ता हूँ अभी, देख किलो का हाथ है। देखो तोड़फोड़ करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बलवंत, पुलिस की धमकी मत दे। हम यहाँ तुमसे शांति से बात कर रहे हैं, तुम भी शांति से बात करो। हाँ तो वही तो, उसमें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक, मतलब सभ्य भाषा में भी एक मिनट सभ्य भाषा। हाँ सभ्य भाषा, मैं आपसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करूँगा। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को छेदन के संदेश वाहक पत्र पर हमारा छाया चित्र कैसे प्रक्षेपित किया? शुक्रवार को क्या किया? शुक्रवार को छेदन यानी नसबंदी यानी वैसक टॉमी। वैसक टॉमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए टॉमी तू ही बोल, कुछ समझ में तो आएगा। भाई को टॉमी बोल रही है। मुझे टॉमी बोल रहा है तू। एक मिनट ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नसबंदी वाले पोस्टर पर हम तीनों की फोटो क्यों छापी? आप सरकारी ऑफिसर हैं, आपको शोभा देता है ना? नहीं, गलती आपकी है, इसलिए कल सारे अखबारों में लिखित में माफी मांगोगे। पूरे गाँव में जितने भी पोस्टर लगाए आप लोगों ने सब निकलवाओगे। हाँ मतलब अगर हमारी गलती है तो हम ये सब करने को तैयार हैं। और हमें हजारे के तौर पर 15 लाख देने होंगे। हाँ इन्हें भी 15 लाख और इसे भी 15 लाख और हमें 2-2 लाख। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब सरकारी काम है, सरकारी काम में टेम तो लगता ही है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग हमें 3-4 साल 3-4 महीने, अच्छा 10-12 दिन बस, ठीक है। हाँ देखिए 10-12 दिन दीजिए। इसमें क्या है कि मैं पर्सनल लेवल पर खुद इंक्वायरी करूंगा, हम दोषी को पकड़ने के बाद उस तारीख को मैं आपको फोन करूंगा, और जिस तारीख पर मैं आपको फोन करूंगा उस तारीख पर आप यहाँ आइए, उसी तारीख पर हम ये डिसाइड करेंगे। तेरे को बुला रही है बलवंत साहब। हम आपको 12 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन अगर आपने 12 दिन में ये मामला नहीं निपटाया ना, तो एक बात याद रखिएगा कि 13वें दिन को लोगों की 13वीं होती है। समझ गए ना? सही कहा चौधरी साहब ने, 12 दिन मतलब 12 दिन, नहीं तो उसके अगले दिन तू शमशान में देखेगा और हम लोग जेल में। पूरे 12 दिन है आपके पास, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 दिन में आपके पास कितने सेकंड्स हुए? कितने हुए? एक मिनट। हाँ मास्टर, मास्टर तुमने टाइम दे दिया है ना, अब उसे हिसाब करने दे, कैलकुलेशन कर लेगा ना। भाई साहब मैथमेटिकल धमकी है, देखना पड़ता है कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। ये मास्टर बावड़ा है। वो समझ गया, कर लेगा। चल हम चलते हैं। सुन ले ओए, भूलना नहीं, वापस आएंगे।